ये लड़का इस समुद्र के बीच इस बोट पर एक जेब्रा और हाइना के साथ फंसा था और ये हाइना इस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ आना चाहता है, लेकिन हाइना लड़की की तरफ पहुंच नहीं पाता। तभी लड़का देखता है कि एक चिंपांजी भी चिल्लाता हुआ इसकी तरफ आ रहा होता है, जिसे लड़का एक लकड़ी के सहारे बोट से खींच लेता है। फिर लड़का इस बाल्टी को लेकर बोट के साइड में पीटने लगता है, जिसके अंदर ये हाइना निकल कर बाहर आ जाता है और फिर इसे खाने के लिए इस पे वार करने लगता है, लेकिन लड़का जैसे तैसे करके इसे रोक लेता है। और देखते ही देखते यहाँ रात हो जाती है, लेकिन हाइना को बहुत तेज भूख लगी होती है, इसलिए ये इस जेब्रा को पकड़ कर मारने है और मार कर खा जाता है। अब सुबह हो जाती है और लड़का बोट पे पड़े सामान को देखने लगता है, लेकिन वो हाइना फिर से बाहर आ जाता है और वो इस बार चिंपांजी पर हमला करके उसे मार कर खा जाता है। अब लड़के को हाइना पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, लेकिन तभी अंदर से एक टाइगर बाहर निकल आता है और हाइना को मार कर खा जाता है। अब ये टाइगर इस लड़के के पीछे पड़ जाता है।